वेलकम बैक टू माई चैनल। होप यू गाइज आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। और आज है 31st of December, ईयर का लास्ट डे। और पता ही नहीं चला ना कि ये पूरा साल मतलब इतनी जल्दी कैसे निकल गया। बस यही है कि आज लास्ट डे है तो सोचा है कि हम आज के दिन को थोड़ा सा अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। 2022 को अलविदा कहने का वक्त आ चुका है और 2023 आने वाला है, बस थोड़ा ही टाइम बाकी है। तो नए साल में 2023 में मेरी भगवान से ही प्रार्थना है कि आपको, आपके परिवार को, आपके दोस्त रिश्तेदार, आपसे जुड़े जितने भी लोग हैं, आने वाला नया साल आप सबके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आपके सारे रुके हुए काम इस नए साल में पूरे हों। भगवान आपको हेल्दी रखे, वेल्दी रखे। वेल्दी तो आप ऑटोमेटिकली हो जाएंगे जब आप हेल्दी रहेंगे। मतलब मेरा मानना तो यही है कि अगर आप हेल्दी हैं आज की डेट में तो आप सबसे बड़े वेल्दी हैं। आपके पास वेल्थ हो ना हो लेकिन आपके पास हेल्थ ज़रूर होनी चाहिए। तो भगवान वो हेल्थ आपको दे और ढेर सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में लाए। तो आज लास्ट डे है, सोचा है कुछ अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे घर पे ही, बाहर तो नहीं। पहले हम लोग सोच रहे थे कि देहरादून या मसूरी की साइड निकल जाए, इसके पापा कह भी रहे थे, बट फिर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। मुझे पता है लास्ट डे में तो मतलब जितने भी दिल्ली NCR के सराउंडिंग जितने भी हिल स्टेशन है ना, इतना बुरा हाल हो जाता है ना वहाँ पे, इतना बुरा हाल हो जाता है कि पूछो मत। मतलब हर चीज़ एक्सपेंसिव होता है, आप होटल रूम देख लो या खाने पीने का, और वो तो चलो एक अलग बात है, इतना ज़्यादा रश होता है, मतलब आप काफ़ी देर तक ट्रैफिक में फंसे रहते हो। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं यार, हम लोग कहीं बाहर नहीं जाएंगे 30 और 31 में। चीनू का बड़ा मन था वहाँ से देख रहा है कि मम्मी चलते हैं देहरादून वगैरह साइड निकलते हैं, बट फिर हम लोगों ने वो कैंसिल कर दिया। तो आज प्लानिंग है कि घर पे ही थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करेंगे। एज सच बाहर भी जाना पॉसिबल तो नहीं है। बाहर भी जाओ तो यार क्या जाओगे, वही खाने पीने के लिए या फिर मॉल वॉल में और वही रेस्टोरेंट वगैरह में। तो इससे बढ़िया है तो घर में बैठ के आराम से बॉनफायर करो और जो भी खाना पीना चाहते हो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ बैठ के आराम से गपशप मारो, और बस ऐसे सेलिब्रेट करने का आज प्लान है। कोई आ तो नहीं रहा, हम लोग ही हैं चार, हम लोग जो करते हैं। तो प्लानिंग है कि बॉनफायर वगैरह करेंगे, बट अगर देखते हैं मतलब क्या बनता है क्या नहीं बनता प्लान, क्योंकि सोचते बहुत है, करते हम उतना है नहीं, है ना, कर नहीं पाते मतलब उतना। उसका मुंह देखो, उसका मन था कि मम्मी देहरादून वगैरह मसूरी वगैरह ले चलो, बट फिर हम लोगों ने कहा नहीं यार बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा। पता है बहुत रश होता है और बहुत चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाती है, सब कुछ एक्सपेंसिव होता है। 20 रुपये की मैगी आप 100 रुपये में खाते हो तो मतलब क्या ही लॉजिक है ना बाहर जाने का। एनीवेज, तो अभी इसके पापा गए बाहर थोड़ा सा नॉनवेज लेने के लिए, फिश और चिकन, तो उसको मैरिनेट करूँगी और शाम को उत्कर्ष के स्टाइल का बनाएंगे आज, बिकॉज उत्कर्ष को ड्राई पसंद है, गीला गीला उसको जब पसंद नहीं आता। तो क्या कर रहा है। तो खैर फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ ड्राई क्लीनर के पास। मैंने ना लास्ट ईयर एक जैकेट दिया था अपना, मैं हम लोग डलहौजी खजियार से आए थे, उसके बाद मैंने उसको ड्राईक्लीन करने के लिए दिया था, और आप बिलीव नहीं करोगे उसको मैं ड्राईक्लीन करने के लिए दिया और उसके बाद मैं भूल गई कि मैंने कुछ ड्राईक्लीन के लिए भी स्टफ दिया, बाकी सारा स्टफ ले आई और वो भूल गई। और अब जब इस वाले विंटर से मैंने सामान निकाला तो मतलब मैं दंग रह गई थी कि मेरी जैकेट मिल ही नहीं रही। पूरा घर छान मारा, मतलब जहां जहां पॉसिबिलिटी होती थी वहां वहां हमने देखा। फिर मुझे स्ट्राइक किया कि हो सकता है कहीं मैंने ड्राईक्लीन के लिए दिया और मैं ड्राईक्लीन से लेकर ही नहीं आया। जनरली मैं ही करती नहीं हूं, बट जरूर ये काम इसके पापा के होंगे, मैंने इसके पापा को बोला होगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होगी और वही भूल गए होंगे। तो बस अभी भैया का फोन आया, मैंने उनसे इंक्वायरी की थी तो कहते मैम मेरे पास ही पड़ा हुआ है तो बस अभी मैं वही लेने जा रही हूँ। बट सच ऑनेस्ट गाय ही है ना, सच ऑनेस्ट गाय आज की डेट में कि उनके पास थी और उन्होंने दे दिया, अदरवाइज कोई भी भूल जाता ना। एक साल का टाइम बहुत बड़ा टाइम होता है कोई भी चीज़ को भूलने के लिए, इधर उधर रखने के लिए। पर चलो अभी मैं फटाफट लेने जा रही हूँ उनके पास, उसके बाद करते हैं तैयारी आज शाम की। स्टे विद अस। मम्मी मिल गई, फाइनली मिल गई मुझे जैकेट। मैं इस जैकेट की बात कर रही थी तो लास्ट टाइम मैंने दिया था ये ड्राईक्लीन के लिए और उसके बाद मैं भूल गई, लिटरली भूल गई। ये वाली जैकेट थी, मैंने ये डिकॉर्टमेंट से ली थी, छोड़ दूंगी और शाम को मैं बनाऊंगी तवा फिश। तो पहले मैं मसाले लगा देती हूँ उसमें। तो मसाले के लिए ना मैंने यहाँ पे ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना के रख लिया है, चिकन के लिए भी मैरिनेशन के लिए काम आ जाएगा और मैं फिश के लिए मसाले के लिए भी इसको यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने ये ले लिया है, ठीक है, इसे मैं ऐड कर रही हूँ नमक, लाल मिर्च पाउडर,
हल्दी पाउडर, थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ। बस इसको ना अच्छे से मिक्स करके, और इसमें मैं एक नींबू भी निचोड़ूंगी। अब इसको ना मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी इस तरीके से ना। तो ये पेस्ट रेडी है, बस अब मैं इसको ना फिश में लगा दूंगी। तो यहाँ पे मेरी फिश को मैंने मसाले वसाले लगा के ना तैयार कर लिया, अब शाम को उसको आराम से बनाऊंगी। तो फिश में तो मैंने मसाले लगा के उसको रख दिया फ्रिज में, तो अब मैं तैयारी कर रही हूँ चिकन को मैरिनेट करने की। तो मैरिनेशन के लिए मैं क्या क्या यूज़ कर रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने 1 kg के आसपास का चिकन लेग पीस मंगाया था और इसको वॉश कर लिया अच्छे से, प्लस मैंने इसमें ना अच्छे से कट जरूर करवाया था। जब भी आप चिकन लो ना तो इस तरीके से ना चिकन में कट जरूर करा लेना, सो दैट सारा जो भी मैरिनेशन का मसाला होता है ना। क्या हो गया? तो जो भी मैरिनेशन का मसाला होता है ना वो अंदर तक चला जाए। अब मैं ऐड करूंगी इसमें हुई अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। अभी से मत करो ना पागल, अभी से कर रहे हो। शाम के जश्न की तैयारी में कागज कागज उड़ रहा है सारा। क्या पेंट है उसका? कल बोदी नहीं आएगी सफाई करने, पहले बता रही हूँ, इतना गंद मचा रहे हो। लकड़ी लिया था यहाँ पार्क में छोटी सूखी सूखी सी, उससे हो जाता ना, कागज से तो धूल उड़ेगी। यही जलाने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है, बाकी तो बन जाता है। एक बार जल जाए छत में कर लेते सड़ी। कर रहा है शाम के जश्न की तैयारी थोड़ा सा, उसको मतलब कोयला वेले को ना जलाने के लिए कोशिश कर रहा है, क्योंकि टाइम लगता है उसको भी जलने में। कोयला भी ऐसा था कि ऐसा लगता था सारा लकड़ी लकड़ी मतलब मिक्स था पूरा, ऐसा पूरा कोल नहीं लग रहा था मुझे। अभी तो होने ही स्टार्ट हुआ। तो हो चुकी है स्टार्टिंग। वो कहाँ है? सीख सीख में लगाना था ना। सीख में क्यों लगाना है जब ऊपर ग्रिलर है तो। अच्छा तो ये भी रख दो ना साथ के साथ। अरे रुक जाना है नहीं ना गरम वहाँ पे, उधर ऐसे ही गरम कर इस साइड करो ना, इस साइड है तो सही। कपड़ा लो साथ में, कपड़ा दूँ क्या? पकड़ोगे गर्म हो जाएगा वो। चलो मैं चटनी बनाती हूँ हरी वाली। तो चलो यशवंत कर रहा है फिश को और चिकन को ग्रिल, अभी उसमें करके देखते हैं कैसा बनता है। नहीं होगा तो मैं फिर यहाँ तवा फिश वगैरह ट्राई करूंगी, तब तक मैं बना लेती हूँ धनिया लहसुन और हरी मिर्च वाली चटनी। वो जो होती है ना नॉन वेज के साथ ग्रीन वाली चटनी, वो मतलब उसके बिना तो नॉन वेज का मजा ही नहीं है। जो नॉन वेज लवर है उन्हें पता होगा ग्रीन चटनी के साथ इस तरीके का रोस्टेड वगैरह जो ग्रिल वगैरह खाने के लिए होती है ना चटनी, वो वाली बना रही हूँ। तो ये अब भूल गए पापा।
चिन चप्पल पहन ले बेटा पैर पे, उत्कर्ष चप्पल पहन ले। सही बात है। आह क्या स्मेल आ रही है पूरे इसमें, क्या खुशबू आ रही है, मस्त। सीख लिया चिनू? हाँ हाँ, चप्पल लेकर आ जल्दी फटाफट। चिनू नंगे पैर मत, नंगे पैर। मेहनत करके मैंने भी अपने लिए मेहनत की है। थोड़ी देर उसका वो आने दो, स्मोकी फ्लेवर आएगा तभी है। नहीं आग तो क्यों बुझेगी, तुमने सारा कोयला डाल दिया क्या? हाँ, पूरा उसमें कैसे आएगा निकल? अच्छा, एक किलो मतलब 1 kg बहुत होता है एक बारी में, है ना? एक बारी में 1 kg। और वो पहली बार में वो जलाया भी तो था रख से। हाँ तो थोड़ा सा जलाया। हाँ 1 kg में हो जाएगा। ओ भाई साहब धुआं कितना उड़ रहा है इसमें, पूरे पड़ोस तक खुशबू जा रही होगी। धुआं देखो कितना उड़ रहा है, यही को कमरे में करते तो फिर पूरे कमरे में वही स्मेल हो जाती है ना। तो फिर एग्जॉस्ट लग जाता है। स्टिल कमरे में एग्जॉस्ट कहाँ से लाओगे? अब ना हवा मत मारो अंगीठी में, अगर वो कोयले में थोड़ा सा हल्का रहेगा ना, वो हल्के में ही पकेगा। अभी जो अंगीठी रहता है ना, उनको आइडिया रहता है कि कल किस में कहाँ पलट रहा है और कहाँ पे एक साइड पे ही करता है। अभी माजा मैंने निकाली हुई है फ्रिज से नॉर्मल रखने के लिए, अभी बहुत ठंडा है वो। कैसा लगा आज तेरी पसंद का बनाया ना ड्राई? अंकल से बहुत अच्छा है। अच्छा है, नहीं खा रहे वो येलो येलो से क्या था जो आप लगा रहे थे? तो येलो येलो से क्या है? घी। घी का कोटा तो चिकन से ही पूरा हो गया, फिश को फ्राई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये शॉप कैसा ऑलरेडी फुल हो गया, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं हो जाएगी। तो बस अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको ये देखो इतना पानी छोड़ देगा, लेकिन ये तो इसको फ्रीजर में रखूंगी तो जम जाएगा फिर। हाँ, तो बस अभी मैं क्या करूँगी कि इनको ना सबको फ्रीजर में रख दूंगी, तो कल फिर दोपहर में या शाम में जैसे भी लगेगा टाइम फिश करी बना लेंगे। ओहो अंग्रेज, मेरा अंग्रेज, हाय भगवान। तो यहाँ पे हमारे क्या हो रहे हैं, कश निकालो ढक्कन निकालो, गुलाब जामुन गर्म हो रहे हैं। अच्छे से पकने चाहिए इसलिए तो कर रहा हूँ। कौन है बदमाश? कौन है बदमाश? मैं हूँ। मैं कहाँ से आया ये बदमाश? वहाँ से बल्कानी। अच्छा अपने टाइम पे खा लिया, डाइजेस्ट होने में टाइम मिल जाएगा हमें ना, नहीं तो अगर लेट हो जाता तो फिर डाइजेस्ट होने में भी उतना ही टाइम लग जाता। अम्मा चमकारी का चमकारी और जो गैलेक्सी पे गैलेक्सी। भाई हमें ना सुनना तुम्हारा समुराय गैलेक्सी, तुम्हें मुबारक हो समुराय गैलेक्सी अपना। समुराय पेगासस है वो। और पार्टी के बाद जितना भी गंद फैला है उस गंद को साफ करते हुए पापा श्री चिकन भी उन्होंने बनाया, झाड़ू भी पापा ही लगा रहे हैं। बात है ना कल मैं और तू मिलके करेंगे, कल बोधी आंटी नहीं आ रही ना, कल सुबह करेंगे। हाँ कल बोधी आंटी नहीं आ रही ना, मैं बोधी को बोलने वाली थी, बोधी पहली तारीख को ही आप छुट्टी ले रही हो, पूरे साल काम का अभाव रहेगा, पहले दिन तो छुट्टी नहीं लेनी चाहिए। साल के पहले दिन छुट्टी होनी चाहिए या साल के पहले दिन इंसान को काम पे जाना चाहिए? साल के पहले दिन इंसान की छुट्टी होनी चाहिए, काम पे नहीं जाना चाहिए। इंसान अपने हिसाब से सोचता है, नौकरी पेशा हो तो इसको जाता है कि छुट्टी चाहिए, अपना नौकर जब नौकरी ले वो छुट्टी ले तो वो तुमको करना है। हाँ ये भी है,
ये भी है। तल्लो वान। लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसेस में नहीं होता। कल गवर्नमेंट ऑफिस खुले हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है छुट्टी दी हो, बट गवर्नमेंट में खुला हुआ है ऑफिस जितना मुझे पता है। यहाँ तो सोने की तैयारी भी हो गई है। ये हमारे आलसी बेटा, जैकेट उतार दो, जैकेट उतारो उषी, चलो जैकेट उतार दे, जोर का थप्पड़ मारूंगा उषी बेटे, सारा सामान हटा के ले जाओ, ले जाओ। ऑलराइट गाइस, तो पार्टी हो चुकी है खत्म, पैसा हो चुका है हजम, हम लोग खा पी के हो चुके हैं पस्त, और बस अब सोने की तैयारी है। बहुत ज्यादा थकान हो गई है, बहुत ज्यादा, मेरी आंखों से आपको पता लग ही रहा होगा, ऐसा लग रहा है बस अभी सो जाऊं, लेकिन अभी मैं सो नहीं सकती क्योंकि मुझे थोड़ी देर एडिटिंग करनी है, कल व्लॉग भी डालना है। तो इधर आ जाओ शी, चलो अब सबको ना, आप तीनों के तीन, आप दोनों के दोनों ना हैप्पी न्यू ईयर विश कर दो सबको, क्योंकि बोलो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर बोलो शी, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। जब तक ये व्लॉग आएगा तब तक नया साल आ चुका होगा, तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज का व्लॉग मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज गिव मी अ बिग थम्स अप, मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है द इंडिया फैमिली। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।